आखिरकार लोगों का इंतजार खत्म हुआ है। पूरे देश में 16 जनवरी को कोरोना के टीके लगाए गए। वहीं सिविल अस्पताल ज्वालामुखी में भी शनिवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा चयनित किए गए 90 स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोरोना का टीका लगाने का कार्य किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मी कुशलता को पहला टीका लगाया गया। सिविल अस्पताल ज्वालामुखी में स्वास्थ्य विभाग द्वारा चयनित किए गए 90 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वायरस वैक्सीन का टीका लगाने की शुरुआत की गई। खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र व प्रदेश सरकार के निर्देश पर 16 जनवरी 2021 को विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना वायरस वैक्सीन के टीके लगाए जा रहे हैं। उसी के अंतर्गत ज्वालामुखी सिविल अस्पताल में भी विभाग द्वारा चयनित किए गए स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना के टीके लगाए गए। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे सरकार के निर्देश मिलते जाएंगे उसी के अनुसार निकट भविष्य में अन्य लोगों को भी टीके लगाए जाएंगे और 16 जनवरी को केवल मात्र 90 स्वास्थ्य कर्मियों को ही ये टीके लगे हैं। आज देश भर में कोविड-19 के टीकाकरण का कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें जिला कांगड़ा में 5 स्थानों में कोविड-19 का टीकाकरण किया जाएगा। उसमें सिविल हॉस्पिटल ज्वालामुखी में भी एक स्थान चिन्हित है। यहाँ पर 90 लाभार्थियों को टीकाकरण किया जाएगा और ये सभी लाभार्थी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर हैं। कोविड नियमों जैसे कि सभी को विदित है कि 6 गज की दूरी और मास्क और सैनिटाइजेशन और हाथ धोने की प्रक्रिया को लागू किया जाएगा और जिनको टीका लगवा भी देंगे उनके भी यही बताया जाएगा कि अभी तक उनको इम्यूनिटी डेवलप होने में टाइम लगेगा, तब तक अपने कोविड के सावधानियों का प्रयोग अवश्य करें। सिटी चैनल के लिए ज्वालामुखी से पंकज शर्मा की रिपोर्ट।